साथियों नमस्कार, आइए इस वीडियो में जानते हैं सरदार पटेल के बारे में 10 ऐसी बातें जो उन्हें बनाती हैं लौह पुरुष। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिएगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा का निर्माण किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप में एक नई दिशा देने की वजह से सरदार पटेल ने राजनीतिक इतिहास में एक अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल की 137वीं जयंती पर इस प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किए थे। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा का नाम एकता की मूर्ति अर्थात स्टेचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। आइए जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में 10 बातें। नंबर एक, सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ। वे खेड़ा जिले के कारमसद में रहने वाले झावेर बाई और लाडवा पटेल की चौथी संतान थे। 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वल्लभ भाई की शादी झवेरबा से हुई। पटेल जब सिर्फ 33 साल के थे तब उनकी पत्नी का निधन हो गया। नंबर दो, सरदार पटेल अन्याय नहीं सहन कर पाते थे। अन्याय का विरोध करने की शुरुआत उन्होंने स्कूली दिनों से ही कर दी थी। नाडियाद में उनके स्कूल के अध्यापक पुस्तकों का व्यापार करते थे और छात्रों को बाध्य करते थे कि पुस्तकें बाहर से न खरीदकर उन्हीं से खरीदें। वल्लभ भाई ने इसका विरोध किया और छात्रों को, अध्यापकों को पुस्तकें न खरीदने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप अध्यापकों और विद्यार्थियों के मध्य संघर्ष छिड़ गया। 5-6 दिन स्कूल बंद रहा। अंत में जीत सरदार की हुई। अध्यापकों की ओर से पुस्तकें बेचने की प्रथा बंद हुई। नंबर तीन, सरदार पटेल को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफ़ी समय लगा। उन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास की। सरदार पटेल का सपना वकील बनने का था और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड जाना था, लेकिन उनके पास इतने भी आर्थिक साधन नहीं थे कि वे एक भारतीय महाविद्यालय में प्रवेश ले सकें। उन दिनों एक उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई कर वकालत की परीक्षा में बैठ सकते थे। ऐसे में सरदार पटेल ने अपने एक परिचित वकील से पुस्तकें उधार लीं और घर पर पढ़ाई शुरू कर दी। नंबर चार, वारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल वर्ण भेद तथा वर्ग भेद के कट्टर विरोधी थे। नंबर पाँच, इंग्लैंड में वकालत पढ़ने के बाद भी उनका रुख पैसा कमाने की तरफ नहीं था। सरदार पटेल 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू कर दी। जल्द ही वे लोकप्रिय हो गए और मित्रों के कहने पर पटेल ने 1917 में
अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नर का चुनाव लड़ा और उसमें उन्हें जीत भी हासिल हुई। नंबर 6, सरदार पटेल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता से काफ़ी प्रभावित थे। 1918 में गुजरात के खेड़ा खंड में सूखा पड़ा, किसानों ने करों से राहत की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया, पर वे अपना पूरा समय खेड़ा में अर्पित नहीं कर सकते थे, इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उनकी अनुपस्थिति में इस संघर्ष की अगुवाई कर सके। इस समय सरदार पटेल स्वेच्छा से आगे आए और संघर्ष का नेतृत्व किया। नंबर 7, गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में मिलाना था। इस काम को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया। केवल हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। नंबर 8, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते वे महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए इस पद से पीछे हट गए और नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री भी थे। सरदार पटेल के निधन के 41 वर्ष बाद 1991 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया। यह अवार्ड उनके पौत्र विपिन भाई पटेल ने स्वीकार किया। नंबर 9, सरदार पटेल के पास खुद का मकान भी नहीं था, वे अहमदाबाद के किराए के एक मकान में रहते थे। 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में जब उनका निधन हुआ तब उनके बैंक खाते में सिर्फ 260 रुपये थे। नंबर 10, आज़ादी से पहले जूनागढ़ रियासत के नवाब ने 1947 में पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था, लेकिन भारत ने उनका फैसला स्वीकार करने से इनकार करके उसे भारत में मिला लिया। भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुँचे। उन्होंने भारतीय सेना को इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के निर्देश दिए और साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। उपरोक्त 10 बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बनाती हैं। इस महान राष्ट्रनायक को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद।